ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे एक संत रहा करते थे। वह जन्मांध यानी जन्म से अंधे थे और उनका नित्य का एक नियम था कि वह शाम के समय ऊपर गगन चुंबी पहाड़ों में भ्रमण करने के लिए निकल जाते और हरि नाम का संकीर्तन करते जाते। एक दिन उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, बाबा आप हर रोज इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भ्रमण हेतु जाते हैं, वहां बहुत गहरी गहरी खाइयां भी हैं और आपको आंखों से दिखलाई नहीं देता, क्या आपको डर नहीं लगता? अगर कभी पांव लड़खड़ा गए तो? बाबा ने कुछ नहीं कहा और शिष्य को कहा कि शाम को तुम मेरे साथ चलना। पहाड़ों के मध्य थे और बाबा ने शिष्य से कहा, जैसे ही कोई गहरी खाई आए तो बताना। दोनों चलते रहे और जैसे ही गहरी खाई आई, शिष्य ने बताया कि बाबा गहरी खाई आ चुकी है। बाबा ने कहा, मुझे इसमें धक्का दे दो। अब तो शिष्य इतना सुनते ही सकपक आ गया। उसने कहा, बाबा मैं आपको धक्का कैसे दे सकता हूँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता, आप तो मेरे गुरुदेव हैं, मैं तो किसी अपने शत्रु को भी इस खाई में नहीं धकेल सकता। बाबा ने फिर कहा, मैं कहता हूँ कि मुझे इस खाई में धक्का दे दो, यह मेरी आज्ञा है और मेरी आज्ञा की अवहेलना करोगे तो नर्क गामी होगे। शिष्य ने कहा, बाबा मैं नर्क भोग लूंगा मगर आपको हरगिज इस खाई में धक्का नहीं दे सकता, नहीं धकेल सकता मैं आपको इस खाई में। तब बाबा ने शिष्य से कहा, रे नादान बालक, जब तुझ जैसा एक साधारण प्राणी मुझे खाई में नहीं धकेल सकता तो बता मेरा मालिक भला मुझे कैसे खाई में गिरने देगा। उसे तो सिर्फ गिरे हुओं को उबारना आता है, गिरे हुओं को उठाना आता है, वह कभी भी किसी को गिरने नहीं देता। जब जब आपके मन में ये बात उठे कि परमात्मा ने क्या मेरे लिए कुछ सोच भी रखा है कि नहीं, क्या वो मुझे जीवन भर ये कष्ट ही देते रहेंगे, ये मुश्किलें ही देते रहेंगे, क्या परमात्मा मेरी तरफ देख भी रहा है या नहीं, तब उस पल अपने आप से कहें, वह पल पल हमारे साथ है, बस हमें विश्वास रखना होगा उस पर। मेरी हैसियत से ज्यादा मेरी थाली में तूने परोसा है, तो लाख मुश्किलें भी दे दे मालिक, मुझे तुझ पर भरोसा है। अब इंसान है, कभी कभी तो यह विश्वास भी डोल जाता है। जैसे ही डोलने लगे, याद करें यह मेरी स्टोरी और हाथ जोड़कर उस परमात्मा को शुक्रिया करें हर पल हर क्षण।